अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज की टॉप स्टोरीज जिन पर आज हम बात करने जा रहे हैं उनमें शामिल है पाकिस्तान चीन अफगानिस्तान का मुज़ाकरात हुए हैं, बहुत बड़ा इजलास हुआ है काबुल में अंदर बड़ा इजलास हुआ और इसमें इजलास में क़याम अमन के हवाले से गौर और फिक्र किया गया। पाकिस्तान चीन और अफगानिस्तान के आला हुकाम की इस मीटिंग में अफगानिस्तान के मुस्तकबल के हवाले से कोशिशें की गई हैं और तजावीज़ सामने आई हैं। पाकिस्तान की कोशिशों से अमरीका तालिबान में पीर के रोज़ मुज़ाकरात भी होने जा रहे हैं और दूसरी तरफ से अफगानिस्तान में अमरीकी बमबारी से 60 से ज़ायद शहरी शहीद हुए और चार देहात भी सफा हस्ती से मिट गए। इसी तरह एक और बड़ी स्टोरी अफसोसनाक खबर कश्मीर से, कश्मीर में भारतीय मजालिम का सिलसिला जारी है और आज तकरीबन 10 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया है और इसी तरह नवंबर 2018 में 48 से ज़ायद कश्मीरियों को शहीद किया गया था, इस हवाले से भी बात करेंगे। एक और स्टोरी ईरान से शामिल करेंगे कि ईरान से पाकिस्तान में स्मगलिंग का जो धंधा है उसे ख़त्म करने के लिए या उसे नया उसको तरीका देने के लिए एक बड़ा इजलास हुआ है पाकिस्तान और ईरान के हुकाम का जाहिदान में, उस हवाले से भी आपसे शेयरिंग करेंगे। ज़ियारत के नाम पर ईरान जाने वाले शिद्दत पसंद हैं, उस हवाले से भी आपको आगाही देंगे। एक और ख़बर शामिल करेंगे कि ईरान में समाजी कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और जेलों में कैद समाजी और सियासी कारकुन भूख हड़ताल की वजह से जाँ बहक हो रहे हैं और फिर अहले सुन्नत वल जमात ईरान में जो हैं उनको भी जलाया जा रहा है, उन पर जो मजालिम है उस हवाले से भी आपको आगाही देंगे। इराक से स्टोरी शामिल करेंगे कि इराक में ईरान नवाज सियासतदान ईरानी मफादात के लिए सरगर्म हैं और बगदाद के सरकारी इदारों में ईरान के जो रहबर आला थे खुमैनी उनकी तस्वीर सामने आई हैं और उस पर हंगामा भी हो रहा है। एक और स्टोरी शामिल करेंगे बैतुल मक़दस में इसराइल और अमेरिका का खौफनाक मंसूबा जारी है। अमेरिका के बाद इसराइल ने बैतुल मक़दस को इसराइली दारुल हुकूमत तस्लीम कर लिया है और गजा में और इसी तरह दीगर जो फलस्तीनी इलाके हैं वहाँ पर इसराइली मजालिम बदस्तूर जारी हैं, इस पर भी आपको आगाही देंगे। इसके साथ साथ यूरोप का मुस्लिम अक्सरियती मुल्क कोसोवो का बड़ा मंसूबा सामने आया है। यूरोप में अक्सरियत रखने वाले इस्लामी मुल्क ने अपनी मुसलमान फौज बनाने का ऐलान किया है, इस पर भी आपको बताएंगे। इसके साथ एक और स्टोरी शामिल करेंगे कि बैरूनी दुनिया से तरसीलात ज़र भेजने वाले ममालिक में पाकिस्तान का 7वां नंबर है और ओवरसीज पाकिस्तानियों के दूसरी तरफ से मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। तहरीक इंसाफ ने वादा किया था कि मसाइल हल करेंगे लेकिन मसाइल हल नहीं हो रहे। और इसके अलावा एक और स्टोरी शामिल कर लेंगे कि दुनिया में इंसानियत के कातिल जो असलहे के व्यापार हैं उससे भी आगाही देंगे कि असलहा कितना फरोख्त होता है और कितने लोग सालाना मारे जाते हैं असलहे की वजह से।